हेलो सैम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला काशिफ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मैपिंग सेशन के बारे में। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैपिंग सेशन क्या होता है और कैसे होता है, तो प्लीज मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी समझ आ जाए। ये मैपिंग सेशन को हम प्रोग्रामिंग और ट्यूनिंग भी कह सकते हैं। मैपिंग सेशन में ये होता है कि जैसे ही हमारी कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी होती है, उसके 1 मंथ के बाद हमें हमारी आउटर डिवाइस लग जाती है। उसके बाद जब हमारा स्विच ऑन होता है तो ऑडियोलॉजिस्ट हमारी मैपिंग करते हैं। मैपिंग का ये प्रोसेस होता है कि मैपिंग हमारी वीकली, जब हमारा स्विच ऑन होता है उसके बाद मैपिंग हमारी वीकली बेसिस पे होती है। जैसे ही हमारा 1 वीक खत्म होता है तो ऑडियोलॉजिस्ट हमें बुलाते हैं और हमारी डिवाइस की मैपिंग करते हैं। ये मैपिंग हमारी मदद करती है हमें परफेक्टली और क्लियरली सुनने में मदद करती है। तो मैपिंग ये एक ऐसा स्टेप है जो कि कॉकलियर इम्प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, जब वीकली बेसिस जब बच्चा अच्छा खासा सुनने लग जाता है, जब मतलब साउंड लेवल उसका अच्छा हो जाता है, उसके बाद वो इसी मैपिंग को मंथली बेसिस में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे वो उसको शिफ्ट करते हैं तो वो पे हो जाती है 6 मंथ्स, मतलब 6 महीनों के अंदर 2 2 महीने के बाद हमारी मैपिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा ऑल लेवल और अच्छा हो जाता है, उसके बाद पे हमारी जो मैपिंग है वो चल जाती है एनुअली बेसिस पे, मतलब 1 साल बाद, 1.5 ईयर्स। मेरी मैपिंग हमेशा होती है, मेरी अभी पिछले दिनों भी मैपिंग हुई थी लेकिन मैंने अभी वीडियो कैप्चर नहीं की। अगर अब मेरी कभी कोई मैपिंग होगी तो मैं इंशाल्लाह अपनी जरूर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि मैपिंग होती किस तरह है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैपिंग होती किस तरह है, क्या मतलब डॉक्टर ऑडियोलॉजिस्ट क्या चीज का इस्तेमाल। तो जो हमारे ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारी सबसे पहले जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये जो दोनों हमारी डिवाइसेस है ये फंक्शन सही कर रही है। अगर वो ठीक कर रही है तो उसके बाद हमारा मैपिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मैपिंग के प्रोसेस में ये होता है कि मैपिंग की एक मशीन होती है, उसका नाम है ट्रेस होल्ड लेवल मशीन, उसका यही नाम है। वो वाली मशीन, वो हम उसके अंदर बटन्स होते हैं और वो साउंड क्रिएट करती है, जैसे सॉफ्ट बीप्स, टून्स, जो मतलब जो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट जो नॉइजेस होती हैं वो क्रिएट करती हैं। और वो एक लेवल मतलब उनका एक मतलब, अब मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से नहीं बता सकता क्योंकि मैं ऑडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो वो उनके पास एक मशीन होती है, वो मशीन लेके हमारे ईयर के पास लेके जाते हैं और वो साउंड क्रिएट करते हैं। तो जब जब तक हमारी साउंड क्रिएट हो रही होती हैं तो हम लोग मतलब, अब जैसे हमें कोई आवाज आती है तो हम अपना हैंड रेस करते हैं या हम बताते हैं कि मुझे आवाज आई है, हम क्लैप करते हैं, हम कोई ना कोई ना कोई स्टेप करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट उस टाइम बता देता है कि आपने क्या स्टेप करना है अगर आपको आवाज आई तो। लेकिन मैपिंग के टाइम पे एक ऐसा लेवल आ जाता है कि हमें आवाज नहीं आती, वो मशीन में बटन प्रेस कर रहे हैं, कोई सॉफ्ट बीप या टून्स, कोई साउंड क्रिएट हो रही है लेकिन वो हमें आवाज नहीं आती। तो वो क्या करते हैं, वो अपने कंप्यूटर में वो वाली नॉइज को सेट कर लेते हैं, वही वाला लेवल सेट कर लेते हैं ताकि जब ये वाला बच्चा नेक्स्ट टाइम आए तो हम इस बच्चे को यहीं से उसका लेवल स्टार्ट करें ताकि उस बच्चे की जो साउंड पावर है वो तेज हो जाए, मतलब उसकी साउंड पावर जो सुनने की पावर है वो अच्छी हो जाए। तो इसी तरह मैपिंग ही हमारी मदद करता है कि साउंड को क्लियरली और कंफर्टेबल कंफर्टेबल सुनने में मदद करता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने बच्चों ने अपना कॉकलियर इम्प्लांट करा लिया है तो वो अपने बच्चों की लाजमी मैपिंग करें। और मैं आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को अपने ऑडियोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से, डॉक्टर नदीम मुख्तार से और थेरापिस्ट से और स्पीच थेरापी की वीडियो भी आएगी। तो स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।